आई लव यू टू। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बीवी डॉली खुराना के नाम पे। रुद्र, एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? उस बुड्ढे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बुढ़िया के नाम करने का फैसला कर लिया है, और अगर एक बार बुढ़िया को प्रॉपर्टी मिल गई ना, तो सोच लो तुम्हारा पत्ता तो कट, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि वो बुढ़िया अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, तुम कर ही क्या सकते हो? हाँ, उस बुड्ढे के आगे तो तुम्हारी कुछ चलती ही नहीं है। सोच लो, अगर ऐसा हुआ ना, तुम अपना बदला कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे तो तुम इस घर के बड़े बेटे हो, लेकिन सिर्फ नाम के। उस बुड्ढे ने तुम्हें सिर्फ इस घर में रहने की जगह दी है, इसके अलावा उसका कोई इरादा नहीं है तुम्हें कुछ भी देने का। उसका जब मन करेगा ना, वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकेगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देख लो, अगर तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना ये सोचो कि आगे क्या। बस बहुत हो गया। रुद्र से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। लगता है मुझे वो पुराना वाला रुद्र बनना ही पड़ेगा। करण, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? डैड, आज तक आइसक्रीम खाने का मन था, थोड़ा बाहर तक चले गए। मिलने नहीं ला? डैड, आपको आइसक्रीम खाने के लिए मना किया ना डॉक्टर ने। अरे यार, एक तो खा ही सकता हूँ ना। बिल्कुल नहीं, मैंने इन्हें भी समझा दिया है कि आपकी बातों में ना आए, वरना आप तो इनके पीछे ही पड़ जाते हैं। पुत्र ये दे दे, पुत्र ये खिला दे। बल्लू जी, आप क्यों नहीं समझते, ये सब आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डॉली जी, तुसे भी ना टू मच हो। राज साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है पुत्र? मैंने सुना है आपने वसीयत में सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी का नाम की है। तुझसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, ये बताइए ये सच है कि नहीं? सच। सही, आज आपने साबित कर ही दिया कि आपकी बातें हाथी के दांत जैसी हैं। ऐसे तो बहुत पुत्र पुत्र करते रहते हैं, सिर्फ कहने के लिए, समझते नहीं है। आखिर साबित कर ही दिया ना कि आप मुझे अपनी औलाद नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? सही है खुराना साहब, बहुत अच्छी चाल चली है आपने। ये प्रॉपर्टी आपने अपनी बीवी के नाम इसलिए की ताकि आप चैन से मर सकें, क्योंकि आपको इस बात की खुशी रहेगी कि रुद्र को कुछ नहीं मिलेगा। अब आपकी बीवी तो सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम करेगी, रुद्र को तो देगी नहीं। सही, मरते मरते भी आपने मुझे अपने जायदाद से बेदखल करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। रुद्र, मेरे डैड से ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, आखिर ये पूरी साजिश तेरी की हुई। दोनों माँ बेटे मिलकर मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हो। कौन सा हक रुद्र? बेटे का कौन सा फर्ज पूरा किया है तुमने? तो आपने बाप का कौन सा फर्ज पूरा किया है? एक फर्ज पूरा कर सकते थे, वो भी नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है कि मैं कुत्ता हूं जो
दौड़कर आपके घर तक आ गया, अपने से रोटी के दो टुकड़े खिला दिए, सड़क पर छोड़ दिया। नहीं खुराना साहब, समझने की गलती मत कीजिए, आपने मेरी माँ को धोखा दिया, अब मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। धोखा और प्लानिंग ना तुम जैसे लोग करते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ए बकैट, चुप रह, बीच में मत बोल, तेरे बाप से बात कर रहा हूं ना। ना साहब, मुझे तो पहले से ही पता था ये सब नाटक है आपका। ये जो आप पुत्तर पुत्तर करते रहते हैं ना, ये दरअसल आप कबूतर को दाना दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इस बात का डर है कि लोगों को कहीं मेरे बारे में पता चल जाए तो आपकी बदनामी होगी, समाज में आपकी साख खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने भी सोचा इस बेचारे कबूतर को दाना देने में हर्जी क्या है। चुप हो जा रुद्र, इतना भी नीचे मत गिर कि जिंदगी में कभी उठना चाहे तो उठ ना पाए। ये सही है, जो खुद गिरे हुए हैं वो दूसरों को उठने का पाठ पढ़ा रहे हैं। बस करो रुद्र, बहुत बोल चुके तुम, अंदर जाओ। ससुर जी, रुद्र ने गलत क्या कहा है, सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हक मांगने के अलावा जिंदगी में और कुछ आता भी है तुम्हें? सब समझती हूँ मैं नायशा, कि सब तुम्हारी चाल, तुम हमारे घर को तोड़ना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना नायशा, तुम खुद टूट जाओ लेकिन मैं अपने घर को टूटने नहीं दूँ। ससुर जी देखिए, ये झगड़ा बढ़ाने से ना कोई फायदा नहीं होगा, आप रुद्र को उनका हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद आपको जो भी करना है कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। नायशा, अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तेरा किया धरा है, आज तक इस घर में हिस्से की बात कभी नहीं हुई, बिना मांगे देने में विश्वास रखते हैं और तुम लोग सिर्फ लेने में विश्वास रखते हैं। राणा साहब, देने में वो विश्वास रखते जिनके पास देने के लिए कुछ हो, वो क्या किसी को देंगे जिनके पास कुछ है ही नहीं। आपने तो पहले ही मुझे सब प्लीज, ये साधु संत बनने का नाटक बंद कीजिए, मैं कुछ नहीं चाहिए आपसे। और छोटे, तूने तो पूरी प्लानिंग भी कर ली होगी, प्रॉपर्टी मिलने के बाद क्या क्या करेगा? प्रॉपर्टी मुझे मिले या ना मिले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने डैड का प्यार चाहिए। पैसा तो मैं खुद ही कमाता हूं और वैसे भी मैं ईमानदारी के पैसे में यकीन रखता हूं, तुम्हारी बीवी की तरह चोरी करने की आदत नहीं है मुझे। मुंह तो रोक, चुप। क्यों गए? उठाइए, मारिए। मैंने कभी सोचा
मेरी अपनी औलाद जीते जी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगेगी। हो जाएगा। वो रुद्र तो पागल है, उसके मन में जो आए वो बोलता रहता है। जरूर नायशा ने ही भड़काया होगा उसे। डैड, मैं आपको ऐसे परेशान उदास हालत में नहीं देख सकता हूं। देखिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसे चाहिए उसे दे दीजिए, उस रुद्र को सब कुछ दे दीजिए। आप खुश रहिए, मैं सिर्फ आपके चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। तू अपनी बात तो करे मत पुत्र, मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने रुद्र को कब मना किया, कब बोला उससे कि उसका इस तरह की बात करता है क्या? बल्लू जी, जब आपका मन साफ है, मेरा मन साफ है, हम सबके मन में कोई चोर नहीं है, रुद्र के बातों से क्यों परेशान हो रहे हैं? पापा जी, जिसके मन में चोर होता है वो दूसरों पर भरोसा नहीं करता, और रुद्र के मन में बैठा हुआ चोर कोई और नहीं, नायशा है। सही कह रही है पुत्र, जब तक वो इस घर में है चुप तो बैठेगी, वही भड़का रही है रुद्र को। हाँ पापा जी, जब चोर चोरी नहीं कर पाया तो हेरा फेरी तो करेगा ही। अब नायशा ने रुद्र को आगे बढ़ाया, लड़ाई रुद्र लड़ रहे हैं, पर बारूद बारूद नायशा भर रही है। पर आप चिंता मत कीजिए पापा जी, रुद्र नायशा जैसे बिल्कुल नहीं है। मैं आंखें पहचानती हूँ, मैंने उनकी आंखों में देखा है, उनकी आंखों में आप सबके लिए बहुत प्यार है, जिसका शायद उन्हें खुद एहसास नहीं है। पर जिस दिन नायशा का असर रुद्र पर से खत्म हो जाएगा, जिस दिन नायशा की सच्चाई रुद्र के सामने आ जाएगी, देखिएगा वो खुद नायशा को इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन नायशा रुद्र को मोहरे की तरह इस्तेमाल ना करे, इसलिए अभी के लिए हमें रुद्र को कोई शिकायत का मौका नहीं देना होगा। हमें वैसे ही करना होगा जैसे रुद्र चाहते हैं। बाय बाय निशान। कुछ नहीं, बाय बाय। जाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हें जाते हुए देखकर ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे साथ रहकर मेरा मन कर रहा है कि मैं सड़क के बीच जाके लेट जाऊं और जोर से चिल्लाऊं। निशान, सब लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जब प्यार होता है तो लोग दिखते ही नहीं, कोई और नहीं दिखता, मुझे सिर्फ तुम्हें दिख रही। तुम्हारा ये हाल अब हुआ है? मेरा तो न जाने कब से है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं इतनी खुशी संभाल पाऊंगा या नहीं, कहीं ये सब कुछ
कुछ नहीं होगा निशान, तुम खुशी को नहीं संभाल पाए तो क्या हुआ, तुम्हारी खुशी तो मैं संभाल लेगी, घबराओ नहीं। हमारे लिए दुनिया गायब हुई है, मम्मी जी पापा जी के लिए तो नहीं ना, अगर पापा जी ने तुम यहाँ देख लिया ना तो तुम तो गए काम से। अरे बाप रे, वो तो मेरी फीलिंग्स का रायता बना देंगे और कहेंगे कि मैं से काढ़ा समझ के पी जाऊं, मुझे उनसे नहीं मिलना है। शान, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? किसी बात के लिए नहीं, बस यूं ही मन किया इसलिए थैंक यू। समझ गया, तुम्हें निशांत पे पहले डाउट, अब तो नहीं है ना वो डाउट। निशांत सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तो आज से नो सॉरी एंड नो थैंक। अब मैं जाऊं? जाओ, जाना तो पड़ेगा ही। बाय बाय। अपना ख्याल रखना। तुम भी जाओ। तुम जाओ ना। नहीं तुम जाओ। अरे बाबा तुम जाओ, तुम्हें काफी दूर जाना है। जाओ तुम जाओ। नहीं पहले तुम जाओ। मैं जाऊं? अच्छा मैं जाऊं। बदमाश, जाओ भी। बाय बाय। अंदर आ सकता हूं? आप ही का घर है खुराना साहब, कमरा भी आप ही का है, आना हो तो आ जाइए। तुझे कुछ बताना था। क्या बताना था? यही ना, ये हमारी आखिरी मुलाकात, इस घर में मेरा समय पूरा हो गया है। घबराइए मत, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा यहां से निकलने में। कैसी बातें कर रहा है पुत्र, मैं क्यों निकालूंगा तुझे? वो तो कल कह रहा था ना, तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी डॉली जी के नाम नहीं करूंगा, बल्कि अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दूंगा। मैं जानता हूं तू क्या सोचता है, तुझे लगता है कि मैं तुझे करण और पैम से अलग समझता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। तू मेरा अपना खून है, जैसे मेरे लिए वो है वैसे ही तू। तू मुझे बाप माने या न माने, पर मैं तो तुझे अपना बेटा मानता हूं। चोट तुझे लगेगी तो दर्द मुझे होगा, तो कोई अपने आप को दर्द नहीं देगा। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तेरा बचपन नहीं देख पाया, लेकिन अब मिला है तो मैं चाहूंगा कि तू मेरी नजरों के सामने रहे। अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए मुझसे तू माफ कर देना, पर मुझे छोड़ना मत। तू जब अपनी माँ के लिए गुस्सा होता है तो मुझे परेशानी तो होती है, पर फिर लगता है मेरी अलका का बेटा उससे कितना प्यार करता है। काश आज वो जिंदा होती, तुझे देखकर बहुत खुश होती। तेरी आंखें,
तेरा माथा बिल्कुल अलका जैसा है। तुझे देखता हूं तो ऐसा लगता है अलका अभी मरी नहीं, तेरे भीतर कहीं ना कहीं वो जिंदा है। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरा साथ मत छोड़। कोने में टहल भी नहीं सकती क्या? यहां भी कब्जा जमाना चाहती हो? कब्जा तो तुम करना चाहती हो। कल रात की बात भूली नहीं हूं मैं। रात से याद आया, कल रात को अंदर कमरे में ससुर जी के साथ क्या गुपचुप हो रही थी? हाँ, आई एम श्योर तुमने अपने ये भारतीय नारी का सच्चा रूप दिखाकर ना ससुर जी से सब कुछ मनवा लिया होगा, है ना? पापा जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पापा जी आपके लिए खाना लगा दूं? पापा जी आपके लिए दवाई ले आऊं? पापा जी आपके पैर दबा दूं? पापा जी आप इस पे साइन कर दीजिए। और ससुर जी ने साइन कर दिए होंगे। जब भी तुम सोचती हो घटिया ही सोचती हो नायशा, ये तो पहले से ही पता है मुझे कि तुम्हारी सोच ही घटिया है। तुम कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती। सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह तुम। क्या चाहती हो तुम? इस घर को तोड़ना चाहती हूँ। कितने अच्छे इंसान है रुद्र, क्यों बाप बेटे में और भाई भाई में लड़ाई करवाना चाहती हूँ? अरे मैं कौन सी लड़ाई करवा रही हूँ, क्या मिलेगा मुझे उससे? लड़ाई से तो तुम्हें फायदा होगा। रुद्र लड़ेगा तो ससुर जी की नजरों में गिर जाएगा और उसका फायदा तुम उठाओगे। पापा जी आप रुद्र को कुछ मत दीजिएगा। पापा जी वो बहुत बुरे हैं, आप उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दीजिए। ससुर जी कहेंगे हाँ आस्था पुत्र तुम ठीक कह रही हो, क्यों सही कहा ना? कोई कितनी भी कोशिशें कर ले या अपनी साजिशों का बुलडोजर ही लेके आ सकता। इस घर की दीवारें तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं पाओगे। और तुम ये जो ख्वाब देखती हो ना कि मुझे और मेरे घर वालों को सड़क पे ले आओगी, फालतू के ख्वाब देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाबों के दरमियान मैं दीवार बन।